नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन एक बार फिर से आप सभी का नव भारतीय स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ की कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, आज हम कुछ मैजिक मैथ के बारे में बात करेंगे और मल्टीप्लाई जो है उसके एक सिंपल से मेथड के बारे में बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज की क्लास को देखने के बाद आप झूम उठेंगे खुशी से और आप बोलेंगे कि यस, बिल्कुल मजा आ गया। तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, हम चलते हैं आज की इस फैंटास्टिक क्लास की ओर। ठीक है, देखिए आज की जो क्लास है इसका जो मैथमेटिकल जो मेरा जो पॉइंट है वो देखें, जैसे 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 5। ये हम सभी जानते हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे सामने निकल करके जो नंबर आया वो आया 25। छोटा सा मल्टीप्लिकेशन था, हम सभी को आता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे तो देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर। ये मैंने लिखा 15 मल्टीप्लाई बाय 15। वैसे तो जनरली बच्चों को याद रहता है कि 15 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होगा, लेकिन छोटी सी ट्रिक, अगर याद नहीं भी हो तो देखिए, हमें पता है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की टेबल 5, 5 का जो पहाड़ा है 5 बार बोलेंगे तो 5 5 25, 5 5 जा 25। इसके बाद जो नंबर दिया हुआ है इसमें आपको +1 करना है। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, इस 2 को नीचे वाला जो नंबर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 2 1 जा 2। एक बार दोबारा फिर से बता रहा हूं, 5 5 25, हमने कोई हासिल कोई कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, कोई कैरी वगैरह नहीं लगाया, सीधा लिखा 5 5 जा 25। उसके बाद हमने बात की कि पीछे जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के अंदर पीछे का जो बैक साइड जो नंबर है उसके अंदर आपको 1 प्लस करना है 1 ऐड करना है। ठीक है, तो हमने 1 ऐड किया, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ था, 1 हमने ऐड किया, तो इसका टोटल कितना आया 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर पीछे नीचे वाली संख्या के दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 1 जा 2, और हमारे पास नंबर आ गया 225। चलो थोड़ा सा और टफ की ओर बढ़ते हैं आगे। नंबर है हमारा 25 मल्टीप्लाई बाई 25। देखिए यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन जो है ये सभी रूल, इसका जो रूल्स है वो उन सभी मल्टीप्लाई पे लागू होगा जिनके लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है, आप अगर और किसी पे लागू करेंगे तो लागू नहीं होगा, ये केवल 5 वाले पे लागू होगा जिसकी लास्ट डिजिट 5 होती है। 5 5 जा 25, हमने बिल्कुल वैसे के वैसे पूरा लिखा। ठीक है, उसके बाद में क्या नंबर है, उसके बाद नंबर है 2। मैंने बताया था 2 में 1 प्लस करना है, मैंने 2 के अंदर 1 प्लस किया तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर है 3 2 जा 6। तो हमारे पास छोटी सी कैलकुलेशन से फटाफट हो गया 625। चलते हैं थोड़ी सी और बड़े की ओर। 25 के बाद आता है 35, तो बिल्कुल जी हाँ, 35 भी सेम वही कंडीशन, 5 5 जा 25, और 3 में प्लस किया 1 तो कितने हो गए बच्चों, 4। ठीक है, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो 4 3 जा 12, है ना मैजिक, मजा आ रहा है आपको, तो बिल्कुल 12 25। चलते हैं थोड़े से और बड़े की नंबर की ओर, आगे है 4 5 45 45 मल्टीप्लाई 45। सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर में भी कई बार काम आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आते हैं, छोटे बच्चों के तो है ही, मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं स्क्वायर वगैरह निकालते हैं, रूट वगैरह निकालते हैं, उसमें भी काम आते हैं। ठीक है, तो 5 5 जा 25, और जो नंबर पीछे दिया हुआ है उसमें फिर हमने 1 ऐड किया
तो 5, 4 और 1 कितना हो गया 5, और हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 को 4 से, तो 5 4 जा 20। देखा कितना इजी चीज है, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक ने कितना सॉल्यूट कर दिया इसको। आगे है 6 5 मल्टीप्लाई बाई 6 5, तो बच्चों फटाफट आपके दिमाग में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात, 5 5 जा 25 और 6 के आगे 7 7 6 जा बोलो 42, 7 6 जा 42, तो आंसर क्या हो गया 4,225। नेक्स्ट 9 5, बच्चों जो नंबर आप मैंने छोड़ दिए हैं उन नंबर्स को आप खुद मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 9 5 95 मल्टीप्लाई जा 95, तो बिल्कुल सेम ट्रिक, 5 5 जा 25 प्लस 1 किया तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, और ये 10 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 10 जा 90, है ना मजे की बात। ठीक है चलते हैं थोड़े से और, ये तो अब तक थे हमारे पास 2 डिजिट के, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कड़ी आने वाली है उसमें हम पढ़ रहे हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लाई। देखें कैसे करेंगे, 105 मल्टीप्लाई 105, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई हासिल कोई कैरी कोई कुछ नहीं लगाना, बोलो 5 5 जा 25 और 10 है पीछे, क्या बच गया 10 बच गया, तो 10 के अंदर हमने क्या ऐड किया 1, 10 में हमने 1 ऐड किया, बोलो क्या बन गया 11, और 11 10 जा 110, तो ये 3 डिजिट के भी हो गए। किसी भी डिजिट का नंबर उसके लास्ट में 5 आ रहा है तो पीछे की डिजिट जो है उसमें 1 ऐड करना है और उसको नीचे वाली डिजिट जो कि सेम डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई करना है, उसकी टेबल आपको बोलनी है। चलते हैं, 135 मल्टीप्लाई बाई 135, यस ठीक है। देखें 5 5 जा 25, अब बच्चों पीछे क्या है 13, 13 में 1 ऐड किया क्या बन गया 14, और 14 14 की टेबल देखो, 14 जो है इसको मल्टीप्लाई किया किससे 13 से, तो 14 की टेबल बोलो 3 बार, 14 3 जा 14 1 जा 14 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 42 का हमने क्या लिखा 2, कैरी दिया 1, 14 1 जा 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, तो ये आया 182, तो हमने लिखा 182, तो ये हमारे पास जो नंबर है वो हो गया 12 18,225, ठीक है, तो ये हमने 135 किया। तो अभी हमने सेम डिजिट के नंबर किए जैसे 1 2 5, 1 2 5 सेम डिजिट है, लास्ट में 5 इज सो कंपल्सरी, ओके, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जा 25 प्लस 1 किया तो कितने हो गए 13, तो 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी दिया 2, 13 1 जा 13 और 2 15, तो क्या नंबर आए 15,625। तो बच्चों ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि इसमें सेम डिजिट जिसके लास्ट में 5 होना कंपलसरी है, ठीक है। अब हम अगर दूसरी कड़ी की ओर चले तो
तो दूसरी कड़ी में हम सीख रहे हैं इसमें डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। तो डिजिट सेम नहीं होने की दशा में हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में, ये समझेंगे हम अगले कड़ी में। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए ला सके। जय हिंद, जय भारती।